नमस्कार दोस्तों, संजय मजुमदार है वंस अगेन। मैं यहाँ पे दिल्ली में सरला मैम, जो बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके पास बैठा हूँ और उनसे थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। और उनका जो पेंटिंग है, उनके बारे में, उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली है वर्क्स करने की, जो उनकी मेन वर्क्स देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी पे है और मैं भी खुद स्पिरिचुअलिटी पे काम करता हूँ, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी स्पिरिचुअलिटी का प्रेरणा कहाँ से शुरुआत करी है, उनकी जर्नी कैसे रहा है। नमस्कार संजय जी, बहुत अच्छा लगा आप मेरी आर्ट स्टूडियो में आए और मेरा कुछ काम देखा और आप इंस्पायर हुए कि आप मेरा वीडियो बनाएं। मैं ये कहूँगी कि मेरा जो इंस्पिरेशन है, पहले तो कलकत्ता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रही है क्योंकि मेरी मदर कलकत्ता की थी, स्पिरिचुअल थी, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्पिरिचुअल था, जो कि हम लोगों ने बचपन में ये सब कहानियाँ और ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। और हमने अपनी पढ़ाई कॉलेज में की, MSc किया, एंटोमोलॉजी में किया, तो जब मैं आर्ट के फील्ड में आई तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने ये सोचा कि मुझे जो मेरा कल्चर है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मैं कहती हूँ कि हम यहाँ के एक सॉलिड बैकग्राउंड के हम लोग हैं, तो जब मैं अमेरिका गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन सबको बताने के लिए कि ये मेरी एग्जीबिशन में मैं क्या दर्शा रही हूँ। तो उसमें जो इम्पोर्टेंस थी कि हमारी जो मूल वैल्यू थी वो दिखाने की कोशिश करी, तो मैं बहुत इंस्पायर हुई और इसी वजह से मैंने ये चुना, क्योंकि मैं कॉलेज में आर्ट के कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ, तो वहाँ से मुझे स्केचेस करने का नहीं था, लेकिन जो अंदर की मेरी जो भावनाएँ थी वो निकलने में बहुत मदद मिली है। जब जब आपने अब्रॉड में शो करी है तो आपने हमारे देश की जो रूटेड कल्चर को प्रेजेंट किया है, बाहर के वेस्टर्न कल्चर को प्रेजेंट नहीं किया है, हमारे देश की कल्चर। तो ये मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो आज काम कर रहे हैं इंडिया में, काफ़ी सारे आर्टिस्ट प्रभावित हुए हैं, पश्चिमी आर्ट से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, जिनके अपने सॉयल से, अपने रूट से, अपने बैकग्राउंड से जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर विदेश में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो वही चीज़ वो देखना चाहता है जो हमारे देश की है, या वो उनकी देश की कल्चर को फिर से देखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं ये सोचती हूँ कि आर्ट एक छाप छोड़ती है, एक बैकग्राउंड छोड़ती है। आजकल का आर्ट है, हम इतना आर्ट देखने लगे हैं कि वो उससे हमको एक छाप नहीं छोड़ पाती हमारे दिल के ऊपर। और उसमें मैंने नोट किया है कि उसमें टेक्निकलिटी बहुत आती है, उसमें फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें कलर कैसे होने चाहिए, बट वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इट्स नॉट दैट, बहुत कम लोग हैं जो बहुत डीपर गए हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में, लेकिन वो भी मेहनत के ऊपर सब कुछ होता है। आई थिंक जो ज़्यादा मेहनत और कंटिन्यूटी में काफ़ी लंबे समय तक अपने को एक्सप्रेस कर सके, उसकी बात ज़्यादा छाप लेकर आती है, ये मेरी फीलिंग है। बिल्कुल। और आपके जो हनुमान जी के ऊपर जो अपने सीरीज बनाई है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, मिसेस बिरला ने भी आपको कैटलॉग बनाने के लिए साथ दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिएगा हमारे दर्शकों से। मैं हैदराबाद में थी और वहाँ लाइब्रेरी में मुझे एक बुक मिली हनुमान जी की, जिसने मुझको प्रेरित किया था। और उसके बाद एक चांस की बात है कि वहाँ हैदराबाद में एक नई गैलरी खुल रही थी सौंदर्य, बद्री विशाल पिट्टी की, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी एग्जीबिशन से ये मैं खोलना चाहता हूँ गैलरी। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है, तो मैंने रामायण के ऊपर बहुत सारा काम किया। और वहाँ मैं एक दिन चार मीनार में थी तो मुझे फॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा लगा, टेक्सचर मुझे हमेशा खींचता है, उसकी गोल्डन सिल्वर का जो टेक्सचर होता है, मेटल का जो टेक्सचर होता है, मेरे को अट्रैक्ट करता है। तो उस ज़माने में मैंने वो बहुत मॉडर्न तरीके से प्रेजेंटेशन किया, रामायण का, भागवत का, तो वो चीज़ लोगों को भाई, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में नए नए टेक्सचर और नई नई चीज़ें उस वक्त नहीं सिखाती थी, वो एक सिंपल लाइन के ऊपर चलते थे।
कि भाई ऐसा पेज बनाओ, ऐसा वो बनाओ, बट मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि जो मैं काम कर रही हूँ वो एक अलग ही तरीका का, और उस चक्कर में आई थिंक वो काम मेरा म्यूजियम सलारजंग म्यूजियम में भी पहुँचा, आर्कियोलॉजी म्यूजियम में पहुँचा, बहुत से आर्ट लवर के पास भी पहुँचा, यहाँ तक कि कैलकटा से, चेन्नई से, दिल्ली से लोग आने लगे और वो मेरे हनुमान गणेश को इतना पसंद करने लग गए कि यहाँ तक कि मुझे भी लगा कि आई थिंक अब ना आई थिंक रोक के कुछ और नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल, ट्राई तो हमेशा नई चीज़ जी हमेशा आपको करना चाहिए। अब एक आपने कहा कि आप एक फेज में आ गए जहाँ पे आपको सेलिंग की ना पड़वा है, आप वो पेंटिंग के ऊपर इतना लगाव हो चुका है, आप अपने दिल के पास, आंखों के साथ पास उसको रखना चाहेंगे हमेशा, तो ये क्या ज़्यादातर आर्टिस्ट कर नहीं पाते हैं, हम भी चाहते हैं ये करना मगर बस की बात नहीं है, तो आपको लगता है कि ये मतलब आर्टिस्ट को करना चाहिए, आप आगे चलकर कोई म्यूजियम की सोच रहे कि आपके अपनी म्यूजियम हो जहाँ पे आपका पेंटिंग को रखा जाए? मैंने मेरे पास गॉड हैज़ गिवन मी द स्पेस वेयर मैं एनकरेज बहुत से आर्टिस्टों को इसलिए भी करती हूँ कि उनको मदद भी करती हूँ थोड़ी बहुत जिस रूप से मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आर्टिस्ट शुरुआत करता है लाइफ में उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं, वो किसी न किसी से बात करना चाहता है, अपने दिल की जो कुंठाएँ उनको खोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है प्रॉब्लम्स को, वो शेयर वो हमने भी सोचा और हमको भगवान ने उस पर ऐसी स्ट्रेंथ दी कि हम बहुत से लोगों से मिले, बहुत से लोगों से पता चला। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक लाइब्रेरी भी बनाई है, मेरे हस्बैंड ने भी उसको सपोर्ट किया, तो वो आएँ बैठें बात करें, और ये कमर्शियल जगह नहीं है, यहाँ पर बैठ के दे कैन इन्जॉय रिलैक्स एंड सोचने का एक तरीका है, नया तरीका सोच के मैंने ये शुरू किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया हमारे दर्शकों तक पहुंचने के लिए। और आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने बच्चों यंग आर्टिस्टों के लिए कुछ शेयर कीजिए, आप कहिए कि आगे चलकर उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके ज़िंदगी में दिक्कतें ना आए और वो अच्छी तरह से पेंटिंग को आगे लेकर जा पाए। मैं ये सोचती हूँ कि मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, फिर आपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करें उसकी थॉरो स्टडी ज़रूर करें और समझें उसको और माइंड में लेके जाएं, फिर अंदर से हार्ट में से निकल के जो चीज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट है। बीच में मैंने देखा था कि ऐसी आर्ट भी आ गई थी कि एक ही स्केच को लोग 15-10 तरह से खींचने लग गए थे, पेंटिंग नाम की वजह से बिकती थी, विच इज़ नॉट वेरी वेरी गुड, आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस, बट आई फील कि रिसर्च जो चीज़ होती है हर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो पत्ती हो, चाहे पेड़ हो, चाहे फूल हो, उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, फिर अपने दिल में ले जाके उसके ऊपर करना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारे एक कार्यक्रम, अगले बार फिर मिलेंगे कोई नया आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।